हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। आनी के निरमंड के दो जगह कुल्लू के पलाड़ा, मंडी जिले के थल्लूखोड़ व चंबा जिले के कई हिस्सों में बादल फटे हुए हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोग अभी लापता हैं। वहीं अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 2 थल्लूखोड़ व 2 बागीपुल क्षेत्र के हैं। बादल फटने से करीब 4 पुल व 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं मंडी जिले में 35 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पधर के सभी स्कूल व शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने आदेश जारी किए हैं। कुल्लू में भी सभी शिक्षण संस्थान 2 अगस्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, मंडी के थल्लूखोड़ में आधी रात बादल फटने से तबाही मच गई। यहां मकान ढहने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हुई। सड़क संपर्क भी ठप हो गया। पंचायत प्रधान कलीराम ने बताया कि तेरंग और राजवन गांव में बादल फटने की घटना हुई है। घटना में कई लोग लापता हो गए हैं। 3 घर बहने की सूचना मिली है। थल्लूखोड़ में बादल फटने की घटना में 8 लोग लापता हैं। वहीं 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, 1 घायल है। वहीं मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया है। डीसी अपूर्व देवगन और रेस्क्यू टीमें पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। सड़कें और रास्ते टूटने के कारण घटना स्थल तक पहुँचने में काफी दिक्कत आ रही है। बता दें, एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन साहिदी ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर बताया कि एनडीआरएफ की करीब 14 टीमें हिमाचल में तैनात की गई हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज सुबह ही हमारी 2 टीम मंडी के लिए तैनात की गई हैं। कुल्लू में भी बचाव कार्य जारी है। वहीं रामपुर में भी बादल फटा हुआ है। वहां 6 लोगों को बचाया गया है। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 52 लोग लापता हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और बादल फटने के बाद स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। राहत कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।